सरकार के प्रयास और महिलाओं की मेहनत, यही वो काम है जिसके माध्यम से महिलाएं इस समय देश में आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे स्वसहायता समूह के बीच में जिनके माध्यम से समर्थन मूल्य पर किसानों की धान खरीदी की जा रही है। आरती आजीविका स्वसहायता समूह है जिसने सरकार के माध्यम से जो ऋण सुविधा है उसका लाभ उठाते हुए आजीविका के माध्यम से यहाँ पे धान खरीदी के लिए प्रस्ताव दिया और प्रशासन ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिसके बाद इन महिलाओं ने धान खरीदी शुरू की। अब वे कैसा महसूस कर रहे हैं, पहले ये कैसा जीवन व्यतीत करते थे, हम समझते हैं इनसे और जानेंगे ये भी कि आखिरकार ये महिलाएँ जिस तेज़ी से अपने आप को आगे ला रही है, मेहनत कर रही है, अपनी मेहनत के बूते पर जिस तरह से लोगों के बीच आर्थिक विषमता की खाइयों को पाटने का काम कर रही है, कितना प्रेरणादायी कार्य है। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम सावित्री दसर है, मैं आरती आजीविका स्वसहायता समूह कुमारी की हूँ सर। मेरा सबसे पहले ये बताएंगे कि आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है ये काम करने के बाद? जी सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी देखो इसमें आरती आजीविका जो समूह है, जो स्वसहायता समूह आजीविका जो गवर्नमेंट चला रहा है, ये 2018 की योजना है सर। इससे हमारे यहाँ पे जो हमारे गांव में सर 35 समूह है सर, इसमें सभी दीदियों को हर समूह में कोई ना कोई रोज़गार है सर। और मैं जो मेरे समूह से जो रोज़गार मैंने आजीविका स्वसहायता समूह से जो सर मुझे रोज़गार मिला है धान खरीदी का सर, इसमें समूह के जो सदस्य लोगों के परिवार की भी आर्थिक स्थिति सुधर रही है सर। जैसे कि जो दीदी लोग हमारे पास 15 दीदियाँ हैं, उनके वो 15 दीदियाँ काम कर रही हैं और गवर्नमेंट की तरफ से हमें 31 रुपये 25 पैसे प्रति कुंटल सर हमें कमीशन है, जिसमें हम लोगों को जब कमीशन गवर्नमेंट हमारे अकाउंट में डालेगी। इसमें सर क्या है, हमने 15 दीदियों को रोज़गार दे दिया, उसके साथ में उनके घर के जो भैया लोग हैं वो भी सर रोज़गार में, वो भी बेरोज़गार थे सर। कोई कट्टी सिल रहा है सर, कोई दीदी लोग छापे मार रही है तो भैया लोग काटा कर रहे हैं, सर छल्ली करते हैं, ट्रक भरना, तो सर उन्हें भी रोज़गार मिला है। हमने ये देखा कि कोरोना काल के बाद में कई लोगों का रोज़गार छिन गया था, कई लोगों के पास काम धंधे नहीं थे। अब आप लोगों के समूह के माध्यम से जो अपने आप को रोज़गार के माध्यम से इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, वो किस तरह से महसूस कर रहे हैं आप लोगों के बीच में काम करके? सभी समूह के सदस्यों के चेहरे पर सर खुशी है कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है कोरोना काल के बाद में सर, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं सर वो बिल्कुल बेरोजगार हो गए थे, तो आज सर उनको एक रोज़गार मिल गया सर। 1.5 महीने में 2 महीने में वो इतने आत्मनिर्भर बन जाएंगे सर। क्या है जैसे बाहर ये जो गवर्नमेंट सोसाइटी जिला सहकारिता खरीदती थी सर, ये वो अब उनका तो उसका सिस्टम पता नहीं सर, मगर 15 परिवार को रोजगार मिला है सर। एक समय था मैडम, हम देखते थे कि पुरुष प्रधान देश माना जाता था, पुरुष हर क्षेत्र में काम करते थे, अब महिलाएं हर क्षेत्र में काम में आगे आ रही है, तो पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रही है। क्या संदेश जाता है इससे आगे, और कितनी महिलाएं प्रेरित हो सकती है इस काम से, कैसे मतलब महिलाएं आगे बढ़ेगी और कितना सक्षम होना चाहेगी? सर मैं तो चाहती हूँ कि महिला सक्षम हो, पुरुष के कंधे से कंधे मिला करके चले। मेरा यही है उद्देश्य कि सभी महिलाओं को ये, मैं आज कुमारी में प्रभारी हूँ सर, मैं केंद्र प्रभारी सर, मैं तो चाहती हूँ कि हर गांव में हर समूह से एक एक प्रभारी महिला निकल करके आए। आरती आजीविका समूह ने अब तक कितने क्विंटल धान की खरीदी की है, कितने किसानों का यहाँ पे पंजीयन है और FAQ का जो मापदंड है उसके अनुसार किस तरह से काम हो रहा है यहाँ पर? सर FAQ का मापदंड हमारे पास है, मिनिमम हम सर 11 से नीचे नहीं ले रहे हैं सर, FAQ का है सर, और 17 के ऊपर यानी 16, 15, 14, 12 सब इतना ले रहे हैं सर FAQ का, 12-11 के मिनिमम सर, उसके ऊपर हम 17 के ऊपर हम लेने का नहीं है, 15-16-17 FAQ उसके ऊपर लेने का नहीं है सर हम लोगों को। और हमारा जो केंद्र है सर, इसमें 290 किसान पंजीकृत है सर, और जिसमें गांव हमें मिला है बोधा प्लस पाथरवाड़ा। तो ये थी सावित्री दशहरे, आरती आजीविका मिशन के माध्यम से स्वसहायता समूह चलाते हुए इनके द्वारा प्रशासन के निर्देश पर धान खरीदी शुरू की गई और इसके माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया गया। आज हमने इनसे जब चर्चा की तो हमें यह एहसास हुआ कि महिलाएं निश्चित ही अब आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही है, देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है, तो निश्चित ही जब महिलाएँ आत्मनिर्भर होगी तो देश आत्मनिर्भर जरूर बनेगा।
किसान लोग कैसा महसूस कर रहे हैं इन प्रयासों से, और महिलाओं के माध्यम से जो खरीदी हो रही है इससे किसानों को कितना लाभ मिल रहा है, किसानों को कहीं नुकसान तो नहीं है? क्योंकि हम पहले देखते थे कि समितियों में अक्सर धान खरीदी को लेकर विवाद की स्थिति होती थी, समितियों के माध्यम से कई प्रकार के घपले किए जाते थे जिसका भी जिक्र समय समय पर होता था और प्रशासन तक इसकी बात जाती थी, शिकायतें होती थी। क्या नाम आपका? महेश बागमारे। महेश से बताएंगे, यहाँ पर महिला स्व सहायता समूह कार्य कर रही है, धान खरीदी कर रही है, पहले सहकारी समिति खरीदी करती थी, उसमें और इसमें कितना डिफरेंट है, कितना अंतर आपको समझ में आता है? डिफरेंट ज़्यादा नहीं है, किसान अपना माल पहले ही बेचता था, आज ही बेच रहा है, ये अच्छी बात है। शासन की नीति है कि महिलाओं को सामने आने का अवसर दिया गया, हमारी माता बहनों को काम मिला, रोजगार मिला, समिति जो पैसा कमाती थी, जो कमीशन मिलता था, आज हमारी माता बहनों को मिल रहा है, इसमें किसानों को कोई आपत्ति नहीं है। पहले हम देखते थे सहकारी समितियों पर अक्सर किसानों के आरोप लगते थे कि ठीक से धान खरीदी नहीं करते, तौल में गड़बड़ी करते हैं, ये ऐसा इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है आपको? नहीं, ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है, कांटा वाटा बढ़िया है जी। और सहयोग सपोर्ट कितना मिल रहा है, किसान लोग सपोर्ट कर रहे हैं? किसान लोग पूरी तरह से समूह को सपोर्ट कर रहा है, किसानों को किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ पुरुष वर्ग ही हुआ करता था वहाँ आपत्तिजनक भाषाओं का भी इस्तेमाल होता था, कई किसान ऐसे आ जाते थे जो विवाद की स्थिति खड़ी कर दी, यहाँ महिलाएं हैं, कितना संयम बरत रहे हैं पुरुष लोग? महिलाओं की मानसिकता बदली क्या? नहीं, बिल्कुल मानसिकता चेंज हो गई, महिलाओं को देख के थोड़ा सा अपनी जो वाणी है उसमें भी आदमी को थोड़ा सोच के बोलना पड़ता है कि माता बहनें बाजू में है तो हम कैसी भाषा का उपयोग करें। क्या नाम आपका? महेश बागमारे। तो महेश बागमारे ये कृषक है और ये धान खरीदी केंद्र कुम्हारी में पहुँचे हुए जहाँ पर आरती आजीविका स्व सहायता समूह के माध्यम से धान खरीदी चल रही है। महेश बागमारे का कहना है कि पहले जो पुरुष वर्ग के माध्यम से सहकारी समितियों के द्वारा धान खरीदी होती थी उसमें पुरुष जो कृषक होते थे वो कई बार विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती थी क्योंकि और भाषाओं का भी संयमित प्रयोग नहीं होता था, लेकिन अब चूंकि महिलाएं स्व सहायता के तौर पर यहाँ पर काम कर रही है तो इनको अपनी वाणी में संयम बरतना पड़ रहा है और काफ़ी हद तक इन्हें स्व सहायता समूह का सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ के पुरुष भी अब महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं जिससे कि हमारी महिलाएं और माताएं देश में उन्नति करें, प्रगति की दिशा में आगे बढ़े और आर्थिक विषमता की खाई को पाटते हुए आर्थिक समानता की दिशा में आगे बढ़ सके। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।